को पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा चरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों आओ अपने मन को मिलजुल के एकाग्र करें। कल्याण की चाहना है। भगवान जी ने गीता के ज्ञान के माध्यम से बहुत कल्याणकारी उपाय बताए गए और ऐसे उपाय भगवान करे आपके मन को अच्छे लगे और जल्दी आप अपना लें। यही बात आपके मनों में बिठाना चाहता हूं कि महाराज जी की वाणी केवल समझने और पढ़ने योग्य नहीं फौरन अपना लेने योग्य है कि मैंने इसे अपना लेना है। कल युग में बड़ी बाधाएं होती हैं। सबसे बड़ी बाधा सेहत की होती है, दूसरी बाधा धन की कमी होती है, तीसरी बाधा परिवार में आपस में मेल मिलाप नहीं होता, आपस में हलचल मची होती है। कितनी बाधाएं, ये तीन बाधा तो खास करके कल युग में सेहत नहीं होती, धन की कमी और परिवार में हलचल। आपकी तो मेरे विचार में तीनों ही ठीक है। मेरे मालिक सेहत भी आपको बख्श रहेंगे, मेरे मालिक धन भी कोई आपको लोड की थोड़ नजर देखता नहीं देती और आपके परिवार में भी ठीक है। भगवान की बड़ी कृपा है, पर थोड़ी सी अपनी ओर से हिम्मत लगाइए मेरे देवी मेरे सज्जनों को, मैं आप इस जीवन में ढाल लू, मैं इस जीवन में अपना लू। मैं सच्चाई से कह रहा हूं गीता का ज्ञान नहीं मिलता, कलयुग में तो नहीं मिलता। गीता को प्रचार रूप में आजकल नहीं लिया जाता, बताना मुश्किल, समझना मुश्किल, समझाना मुश्किल, फिर दोनों अगर समझ भी जाए तो अपनाना मुश्किल बन जाता है। चूंकि अपने अंदर एक तीव्र वैराग लाना, तीव्र विवेक, ये दो क्वालिफिकेशन तो गीता प्रेमी में जरूर चाहिए। तीव्र विवेक तीव्र वैराग, तीव्र विवेक तीव्र वैराग, ये दो होती है तब भगवान के ज्ञान के योग्य बन जाते हैं। याद रखना, विवेक भी गर्मा गर्म और वैराग भी गर्मा गर्म, तब भगवान कहते हैं वो मेरे ज्ञान के योग्य है। तब हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है, हमें संसार की असलियत सामने आ जाती है। अभी भगवान की कृपा से जब प्रभु विशेष बुद्धि देते हैं, विशेष बुद्धि का मतलब है जो वस्तु जैसी है चमक उठे हमारे सामने और हम उसे अपने मन में बिठा ले और मन क्या हो जाएगा, उपराम हो जाता है। भले ही संसार में रहे पर संसार का बन के ना रहे। वाह, संसार में रहना तो बुरा नहीं, संसार का बन के रहना बुरा। असल ये जान ली, व्यवहार होता रहेगा मन उपराम, फिर हमारे व्यवहार भी तो कम हो जाते हैं। अब मन बुद्धि के कारण से हमने कई व्यवहार बना लिए जो व्यवहार नहीं करने चाहिए, जिसको व्यवहार में नहीं लाना चाहिए हमने वो व्यवहार बना, जो कर्म करने योग्य नहीं है हम उसे योग्य समझती हैं। ये हमारे मंद भाग्य, कई बार बैठ के सोचा करो ये कर्म मैं छोड़ नहीं सकता। आप रोशन जमीर है, आप गुड कॉन्शियस है मेरे देवियों, आपकी जमीर बताएगी ये कर्म तो छोड़ने योग्य है ही, इसके करने से क्या लाभ। इस तरह कई कर्म मेरे देवियों मेरे सज्जनों आपके भगवान की कृपा से छूटते जाएंगे, छूटते जाएंगे, थोड़े से रह जाएंगे जिनको हम परम आवश्यक कार्य कहते हैं। परम आवश्यक कार्य, कितना समय बच जाता है, कितनी विक्षिप्तता बच जाती है और सबसे बड़ी बात दूसरों की प्राधीनता बच जाती है। समय बच गया, विक्षिप्तता बच गई, प्राधीनता बच गई, ये तीनों से हम आजाद हो जाती है। फिर क्या होगा, अलग रह के महसूस करना सब,
फिर जीव एकांतवासी हो जाता है, उसको एकांत बहुत प्रिय लगता है। एकांत में मन एकाग्र हो जाता है। एकांत में मेरे सजनों, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे भाइयों, मन बड़ी जल्दी मालिक में लग जाता है, क्योंकि सतोगुण की बढ़ोतरी है आप सारों के अंदर। सतोगुण आपकी बड़ी मदद कर रहा है, बहुत सहायता कर रहा है सतोगुण आपकी। सतोगुण को एक ही बड़ा अच्छा तरीका बताया भगवान ने बढ़ाने का, बहुत अच्छा तरीका बताया। सत असत की पहचान कर लो, और इस सारे संसार में सत एक इष्ट देव जी है, बाकी जितना भी आपको नजर आ रहा है असत है, चंद दिनों का खेल है। बस जो सच्चाई है, हमने कल्पना तो करनी नहीं, ये तो एक ट्रुथ है, सपोजिशन नहीं, बिल्कुल सच्चाई। ये जो जो ये भाव बैठेगा सतोगुण और बढ़ जाएगा। याद रखना, सतोगुण की बढ़ोतरी के बाद फिर बड़ी जल्दी जीव अपने इस परमार्थ की मंजिलों को तय कर लेता है। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे मेरी देवियां अनुभव करती जा रही हैं, अब हमारे कल्याण के लिए भगवान जी नए नए विषय चला रहे हैं। है सब गीता संबंधी, है सब महाराज जी ने बताया, समझाओ विक्र कितने चुन चुन के बता रही है। जैसे भीली ने विशेष बेर चुने थे, हमारे प्रभु जी हमारे लिए विशेष बातें जो हमारे मन पे जल्दी असर करे और हम अपना कल्याण कर ले, ऐसी मेरे सज्जनों मेरी देवियों महाराज जी बताए जा रही है, हमें समझाए जा रही है। अब कल का प्रसंग, मेरा खुद ही अपना मन आप से बाहर हो गया। वही कर्म पाप भी है, वही कर्म पूजा भी है, कर्म एक ही जी। अगर वो भगवान के नाम पे किया जाए तो वो पुण्य बन जाता है, अगर अपने लिए करते हैं तो वो पाप बन जाए, उसमें अहंकार बढ़ जाता है, उसमें मोह बढ़ जाता है। जब ये गंदी वृत्तियां बढ़े तो हमारा धर्म हिंदू धर्म उसे पाप कहता है, और जिस क्रिया से अंतःकरण निर्मल हो वो पुण्य बन जाता है। याद रखना, पाप पुण्य की परिभाषा, जिससे अंतःकरण काला हो वो पाप, जिससे अंतःकरण निर्मल हो जाए वो पुण्य। और निर्मल अंतःकरण आपके भगवान जी फरमाते जो कर्म भगवान के नाम पे किया जाए, मैं आपको यहां तक भी कह चुका हूं उत्तम कार्य है प्रचार करना, लेकिन ये तब उत्तम जब केवल 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 भगवान के नाम पे किया जाए। है शाबाश, केवल मात्र प्रभु के नाम पे किया जाए, कोई मन में और ख्वाहिश ना हो, तमन्ना ना हो, इच्छा ना हो, स्वार्थ ना हो। मेरा कर्तव्य है, मेरे भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, मेरा कर्तव्य है कि मैं दूसरों को दे दूं, जो अधिकारी है उनको दूं अपने मालिक के नाम पर, तब ये पुण्य हो जाएगा। इस तरह बाकी सारे कार्य जो भी जब छोटे बड़े कार्य जो पुण्य का पुण्य माना तब जाता। याद रखना, पवित्र काम शुभ काम हाँ तब माने जाएंगे जब अपना कोई स्वार्थ बीच में ना हो, अपनी कोई कामना न बीच में रखे। मैं पूरी उम्मीद रखूंगा, चूंकि आपने नाना प्रकार के पुण्य कार्य किए गए और करते रहोगे, सतोगुण के बढ़ जाने से पुण्य कार्य अपने आप होने लगते हैं। शुभ काम, पुण्य काम, भले काम, अच्छा एस्पिशियस एक्शंस, ये हमारे से होने लगती है, साउंड एक्शन, हेल्दी एक्शन, अच्छा। लेकिन अपना तो भगवान तब मानते हैं ना जब उनके नाम पे किया जाए, जरा बर भी अपना स्वार्थ ना हो, ऐसा जरूर देखते रहा करें। आपसे सवेरे भी पुण्य होंगे, शाम को भी होंगे, दोपहर को भी होंगे, मेरे प्रभु आपको समय समय अनुसार सुअवसर प्रदान करते रहते हैं। आजकल के जमाने में कहां मिलता है पुण्य कार्य करने के अवसर या गुड अपॉर्चुनिटी, भगवान ने आपको सब दे रखी है। बस ये मन की निगरानी करते रहना कि मेरे से जो भी कार्य हो भगवान के प्रेम में भर के हो, मालिक के प्रेम में भर के काम कर लूं, बस मेरा पार मैं उन्हीं के नाम पे कर्म करूं। शब इससे जीव का जल्दी कल्याण होता है। मेरे से पूछा जाना चाहिए जल्दी कल्याण कैसे, अंतःकरण निर्मल हो जाता, जिनका अंतःकरण निर्मल हो रहा है वो जल्दी कल्याण कर लेते हैं। अंतःकरण निर्मल होना इसकी पहचान, इसकी कसौटी, संसार संबंधी संकल्प विकल्प कम होने लग जाती है। तब समझिए कि सचमुच मेरा कल्याण हुआ कि हुआ। जब मन न तो जाए भूतकाल में, ना वर्तमान में रहे, और ना जाए इधर कहीं भविष्य में, प्रभु की चिंतन में लगा रहे, और इधर सफुरने बंद होने लग जाए, समझिए आप मेरे भगवान की फुल कृपा, मेरे इष्ट देव कन्हैया की मेरे पर फुल कृपा। ये एक बात मोटी याद रखना, न हो उसको फिक्रे चुनाव हो चुकी।
अगर ये आती हैं तो जल्दी अपना इलाज करो, जल्दी अपनी कमी देखो, मुझसे क्या कमी हो रही है, मैं कहां भूल कर रहा हूं, मुझसे गलती कहां हो रही है, बड़ी जल्दी चेक कर लो। जैसे बुखार जाते तो हम कहते गड़बड़ होगी मेरे अंदर, या किसी अंग में दर्द होता है तो कहीं कोई गड़बड़ हो गई, फौरन हम चेक करवाते हैं। इस तरह मन विक्षेपता में जाए इन दिनों, तो चेक करो अपने आप को एकांत में बैठकर, छोड़ दो कोई घर का काम, घर के किसी कोने में जाओ, कोई आते आते बैठ जाओ, भगवान से पूछो भगवान जी क्या बात हो गई, मेरा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा, इधर उधर क्यों चक्कर काट रहा, क्यों आवारागर्दी कर रहा है, और रन मेरे प्रभु आपको बतलाएंगे कि इसका मुख्य कारण क्या है, फिर उसको आप चेक करके फौरन छोड़ दीजिएगा, फौरन छोड़ दे मेरी बेटी, चेक इट एंड लीव इट, चेक एंड लीव, चेक एंड लीव, फौरन छोड़ दो। परमात्मा करे इसलिए जन्म तो आप सफल कर लिए, भगवान से आपके हक में दुआएं हैं, मेरी मालिक मेरी सच्चे दिल से निकली सच्ची दुआएं जरूर स्वीकार करेंगे, इस जन्म में तो अपना कल्याण कर जाओ। भगवान का चोटी का ज्ञान है और ज्ञान की पहचान भी हो रही है, बस आप अपनाने की देर है, अपना लें, जीवन में उतार लें, ये शौक पैदा कर लो मेरे देवियों मेरे सजनों कि मैंने इसे जीवन में उतार लेना है। भगवान का ज्ञान जो जो उतारा जाता है, याद रखिए तो मन अंतर्मुखी हो जाता है, अंतर्मुखी मन प्रशांत होता है, अंतर्मुखी मन बड़ी जल्दी साधना करने में कामयाब हो जाता है, अंतर्मुखी मन बड़ी जल्दी एकाग्र हो जाता है। वाह, अंतर्मुखता में अंतर्यामी, बोलो दिख में क्या बोले जा रहा, अंतर्मुखता में अंतर्यामी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो तो अंतर्यामी है, और जब हमारी वृत्ति अंतर गई, न कोई काम का ख्याल, न क्रोध का, न मोह का, न लोभ का, न अहंकार का, न इधर का न उधर का, केवल प्रभु की मधुर स्मृति हमारे अंतःकरण को स्पर्श कर रही है, अंतर्यामी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि आजकल के विचित्र एवं विलक्षण समय में ऐसी जीव बहुत कम होती है जो अपने मालिक के संग लगे रहे, जो प्रभु का चिंतन करती रहे। परमात्मा करे ऐसा ही, ये शर्त तो हम भगवान की एड़ी चूटी का जोर मार के पूरा कर लेंगे, सदा मेरा पैगाम जिसे ध्यान, जरूर ये शर्त पूरी कर लेंगे, हर समय भगवान का चिंतन, हर समय अपने प्रभु का चिंतन, अवश्य मेरे मन में यह पक्का कीजिए इस जन्म में तो मैं जरूर पूरा कर लूंगी, इस जन्म में तो मैं ये अवस्था जरूर बना लूंगी, हर समय प्रभु का चिंतन, बाकी जो कार्य जरूरी है पूरे जगह वो हम करते रहेंगे, जैसा हमारे से मन पड़ेगा वो हम कर भी रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। शाबाश 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 मेरी देवी, शाबाश। परमात्मा कृपा करे आप अपने मन को साउंड बना ले, हेल्दी बना ले, साउंड एंड हेल्दी। बड़े दानाग है वो व्यक्ति जो अपने माइंड को साउंड और हेल्दी बनाया जा रहा है, अपने आप में मस्त, अपने आप में अलमस्त। आओ नया प्रसंग ले, एक जगह मेरी भगवान ने एकाग्र हो जाओ मेरी दीदी, आगे बढ़े। एक बात थोड़ी छुपा के रखी है गीता जी के अंदर, पर हमारे जैसे जो दिन रात गीता के ज्ञान खोजी बने हुए हैं, निकाल ही लेते हैं, ले ही लेते हैं। ग्यारहवें अध्याय आपको याद है, मैं ले चलूं ग्यारहवें अध्याय में, भगवान ने अपना विराट रूप दिखलाया, एकाग्र जाओ ओ मेरी देवियो, दिखाती रही। जैसे जैसे अर्जुन ने उस समय उस कोटि के जिज्ञासु ने मांग की, मेरे प्रभु पूर्ति करते गए, कभी अनेक मुखी भगवान को देख रही है, कभी चौमुखी देख रही है, कभी फिर द्विमुखी में आ गए, दो भुजाओं वाले में आ गए, ये सारी कुछ देखा, भगवान से हाथ जोड़े कि मुझे ये रूप ना दिखाइए, मैं कांप रहा हूं, घबरा रहा हूं, मैं इस रूप देखने का आदि नहीं, मुझे तो वही अपना पुराना नौरानी रूप दिखाइए। खैर भगवान ने दिखा दिया। इस सारे के बाद आखिर में जाकर ग्यारहवें अध्याय के आखिर में ये लास्ट दो श्लोक की तरफ मेरा ध्यान है, और दो श्लोकों में एक शब्द पकड़ रहा हूं, महाराज जी कह रही है एकाग्रता मेरी देवी, अब बिल्कुल एकाग्रता
मैं आपको बहुत अच्छी बात अपनी गीता की बताने जा रहा हूं। हम आते भी इसलिए कि भगवान के बहुत गर्मा गर्म उपदेश को लेकर अपना कल्याण कर जाए। क्या कह रही, ध्यान देना, क्या कह रही मेरी देवी, क्या जिस तरीके से तूने ये रूप देखा है, तेरी मैंने मांग जो पूरी की है, इस तरीके से होना किसी और के लिए मुश्किल है। मेरे जैसा बड़ा इतराज कर उठता है, साधना तो की है और कर भी रहा हूं, लेकिन ठोक ठोक के भगवान को सवाल भी कर देता हूं, ऐसे क्या बात। अर्जुन में अगर पूरी जिज्ञासा थी, क्या हमारे में नहीं? ये क्या भी अर्जुन ही कर सकता है, जैसे तूने देखा जिस तौर से, ये तौर मुमकिन नहीं और सी, ये क्या बात। एक लड़का सवाल निकाल लेता है तो क्या बाकी लड़के अगर हुई फार्मूला लगाए तो सवाल नहीं निकाल सकते। भगवान ने पता था कि मेरे जैसे ऐसे नालायक और बात बात में प्रश्न करने वाले पैदा होंगे, फौरन भगवान ने जवाब दिया। क्या जरा ध्यान देना, फौरन एक मुख से कह रही ये मुमकिन नहीं और से, लेकिन भगवान ने एक शब्द लगाया दो श्लोकों में जिसमें अनन्यता है, वो मुझे जान लेता है, अनुभव कर लेता है, मेरी जात में समा जाता। दृष्टम प्रवेशम चार्जुन, और एक शब्द लगाया अनन्यता, और किसी द्वारा नहीं हो सकता। एक गुण, ये मन का, मन की कई वृत्तियां होती है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकर्म देवियों, मन की कई वृत्तियां, जैसे ये काम को बोलो भी, ये भी वृत्तियां, विवेक वैराग भक्ति शक्ति मनन करना अंतर, ये भी वृत्तियां, वो अशुभ वृत्तियां, ये शुभ, वो नकारात्मक वृत्तियां, ये सकारात्मक जो हम अपने मन में बनाई जा रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं, दीज आर ऑल साउंड एंड गुड वेव्स ऑफ द माइंड, वो ब्लैक वेव्स हैं, ये जो अपने अपनी साउंड वेव्स और लाइट वेव्स हैं जो जिससे हमारा अपना कल्याण कर लेती है, उनमें ये एक वृत्ति बड़ी शानदार मानी जाती है अनन्यता, एक्सक्लूसिव डिवोशन, अंग्रेजी में तर्जमा का होता है एक्सक्लूसिव, दो शब्द अंग्रेजी के आप जरूर जानते हुए, इंक्लूसिव सारों को बीच में मिला लेना, एक्सक्लूसिव सारों को बीच में से हटा देना, उसका शब्द है हमारे यहां अनन्यता। शब्द अनन्यत नहीं होता, शब्द तो अन्य होता है, अन्य मैंने दूसरा, अन्य मैंने दूसरा, आ लग गया संस्कृत का तो शब्द उल्ट गए, अनन्यता हा दूसरा जिसमें ना रहे। प्रेम किसे कहती है, जहां दूसरा ना रहे, इतना समझिए फिर मैं प्रकाश डालू। प्रेम क्या होता है, चाहे मां जी से हो, पिताजी से हो, बहन से, भाई से हो, पर ये प्रेम ही नहीं है, ये तो मोह है, क्योंकि मां से भी प्यार करते हैं, पिताजी से भी करती हैं, बहन भाई से भी करती हैं, हम शब्द का प्यार लगाएंगे लेकिन है ये अटैचमेंट, है ये मोह। कई बार पहले भी कह चुका हूं मेरे सज्जनों मेरी देवियों, हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता हमें बताती है कि जिस प्रेम में स्वार्थ आ गया वो प्रेम नहीं कहलाता, फिर हम उसे मोह कहती हैं, रगबत कहती हैं, सुनो मेरी बेटिया आसक्ति कहती हैं। अच्छा, हमारे जो प्रेम, जो संसारी प्रेम है, उसमें हमारी हमारे हमारा स्वार्थ है, हाँ, और जो भगवान के प्रति अब हो रहा है, ये स्वार्थ उड़ता जा रहा है, स्वार्थ निकलता जा रहा है। जैसे मैं स्पष्ट करूं, स्वर्ण और कुंदन में क्या अंतर है, वो भी सोना, वो भी सोना, कुंदन भी सोना होता है सजनों, और स्वर्ण भी स्वर्ण का नाम, सोने का नाम है नहीं, शब्द तो दो हैं और दोनों का अर्थ भी एक है, लेकिन ये प्रायवाची लगते तो है, प्रायवाची है नहीं। सोने में तो खोट होती है, किसी न किसी धातु की खोट, अगर मैं सोना कसौटी में डालकर है, कठौती में, नट कसौटी, कठौती में डालकर हम सोने को पानी की तरह पिघला लें और उसमें दूसरा जो धातु है वो निकाल दें, और निकाल के बाहर निकाल के उसे जमा दें, ये कुंदन कहलाएगा। कुंदन में केवल सोना होता है, लेकिन इस सोने से गहना तो बनेगा नहीं, इसमें दूसरा मिलाना पड़ता है, वरना वो कड़क हो जाएगा, उसमें ताकत नहीं होती, सोने में ताकत नहीं, घड़ेगा कैसे, अपने जो स्वर्णकार घड़ नहीं सकता। तो मैं तो ये बताना चाहता था कि
जो आपका कुंदन है उसमें किसी दूसरे धातु की खोट नहीं होती, धातु की मिलावट नहीं होती, और स्वर्ण में ही मिलावट होती है। इसी तरह अनन्यता में किसी दूसरे का चिंतन नहीं होता। अनन्यता मानो भगवान के लिए कुंदन प्रेम है, कुंदन प्रेम, एक्सक्लूसिव डिवोशन, एक्सक्लूसिव। हाँ, मन चारों ओर से हटा होता है। हर बाईस इस उम्र में तो पूरी कर ले, आपके लिए है तो मुश्किल मेरी देवी हो, दूसरे का चिंतन ना हो। देखिए एक्सक्लूसिव मतलब अनन्यता, अन्य का चिंतन ना हो। भगवान के तब मेरे असली भाव को जानकर मेरी जात में सदा के लिए तलीन हो जाता है, इसलिए ग्यारहवा अध्याय पूरा हो जाता है। ये रास की बात भगवान ने चुपके से बताई, मेरे जैसे जरूर खोज निकालेंगे और इस शर्त को पूरा कर लेंगे। बहुत मन गदगद हो गया कि वाह, केवल अर्जुन नहीं, कोई भी जज्ञासु, कोई भी भगवान का प्यारा, कोई भी कल्याणकामी जीव, कोई भी जज्ञासु, कोई भी कल्याणकामी जीव, हाँ ये पूरा कर सकता है। क्या? अनन्यता। अन्य का चिंतन केवल एक ही बेवकूफी से होता है। सुनिए जरा गौर से सुन लो मेरी देवी सज्जनो, दूसरे का चिंतन केवल एक ही कारण से होता है, या भगवान में पूरी श्रद्धा ना। अच्छा, अगर पूरी श्रद्धा और दूसरे का चिंतन नहीं होता, क्योंकि मन को पता रहता है इन्हीं से मेरी सारी बातें पूरी हो जानी है। रास की बात ले लो भगवान जी की गीता से, रास की बात पकड़ ली मेरी मैया और मेरी कल्याणकामी देवी। दूसरे का चिंतन अपने स्वार्थ से होता है, और जब ये बताए मेरे सब कुछ पूरा कर देंगे मेरे भगवान जी, हर प्रकार की कामना पूरी कर देंगे, हर प्रकार की, फिर चिंतन बंद हो जाता है, दूसरा चिंता ही बंद हो गया। इसमें क्या होता है? इसमें वही अवस्था बन जाएगी। कौन सी वही अवस्था? कौन सी वही बाबा? कौन सी? ख्याल उसकी, मन मेरे साथ। एक एक बात भगवान ने ऐसी तरीके से बताई है। गीता इज वेरी सिस्टमेटिकली, वेरी लॉजिकली, साइंटिफिकली महाशास्त्र, वेरी सिस्टमेटिकली, वेरी लॉजिकली और वेरी साइंटिफिकली शास्त्र। अगर मैं सही रूप में बता सकूं और आप उसे सही रूप में समझ सके तो बहुत कमाल का महाशास्त्र है। सचमुच भगवान ने ठीक कहा, इसको समझाना मुश्किल, इसको समझना मुश्किल। अब एक बारीकी 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 बात, कौन नजदीक जा रहा है मालिक के? जिसमें द्वैत का चिंतन बंद होता जा रहा है, जिसमें संकल्प विकल्प बंद होता जा। आपका परिवार है, हम तो एकले हैं ना, एक हाथ में रहने वाले मेरी दीदी। आपका जीवन तो बिल्कुल ही कुछ और प्रकार का है, आपका जीवन मेरे बिल्कुल उलट है। आप लोकांत में एकांत में ही, एकांत का होता है द्वितीय तार्किक लोकांत, लेना तीना आना जाना, ये आ रहे वो आ रहे वो कर रही है, श्रीमान के रिश्तेदार आ रहे, आपके अपने रिश्तेदार आ रहे, आज गली मोहल्ले झूठी मुठियां आंटी फांटी ये आई जा रही है, इधर को सुना उधर को सुना, ये सुना वो सुना, न चाहने पर भी आपको उनको ऊपरले मन से वेलकम करना पड़ता है। फिर भी मेरे भगवान आपको गीता सुनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं और आपको बुला रहे हैं, इसका मतलब आप ये कर पाएंगे, वरना मेरे प्रभु आपको चुन चुन के ना लाते। क्या बेली ने बीज चुने होंगे जो भगवान जी आपको चुन चुन के ला रही है कि इनसे ये वाणी अपनाई जानी संभव है? तभी तो मेरे मालिक आपको प्रेरणा दे करके ला रहे हैं। इसलिए आप, मैं भले ही कहूं कि ये मुश्किल है, फिर भी आप कहना क्या कि मैं कर सकती हूं। अगर मालिक ने प्रेरणा दी है तो आपके लिए असंभव नहीं है। दूसरी का अनन्यता अर्थात रही कपड़ा काट, लेकर दूसरे का चिंता ना करें। कोई आई आपके पास, बहन ये काम, अच्छा मैं कर देती हूं, इस समय बड़ी जरूरत पड़ेगी, ये 50 रुपए ये ले, पर चिंता ना हो, मन में ये रख के 50 दे ना दे, मैं इससे चिंता नहीं करूंगी, इसको जरूरत पड़ेगी वाकई ये, बस चिंता ना हो। ये गीता का नुकता पकड़िए कि मैंने किसी का चिंतन नहीं करना। जरूरी काम मैं अगर मेरे में समर्थता है, मैं इसके योग्य हूं, मैं कर गुजरूंगा। कोई भी जरूरी काम है, मुन्नी आपको काले जाती बार कहेगी माँ बाजार में जाकर ये सूट ले आना, फ्राई दुकान पे आया हुआ है, हाँ मैं ले आऊंगी बेटी, बस बात खत्म,
अब चिंता ना हो, कभी रोटी पका ली, कपड़े धो लिए, कपड़े धूप में डाल दिए, मत उठो, हाँ चलो जल ले आओ। चिंता मैंने वो मुझे कह दी थी, मेरे कपड़े लाने हैं, मेरे सूट लाना है, या मार खा लेंगे। या भगवान कहते ना, सदा मेरा पैगाम जिसी ध्यान करे, चिंता में तो हमने मालिक को रखना है। ये नुक्ता पकड़ लो भगवान का, इसे अनन्यता कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव डिवोशन, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी नेम एंड फॉर्म, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम एवरी थॉट एंड इंक्लूडिंग इन वन, इंक्लूडिंग इन वन, एक्सक्लूडिंग एवरीवेयर, चारों ओर से अपने मन को खींच करके एक में लगा देना है। ये हो गया अनन्यता, बिल्कुल अनन्यता। आहा, बिल्कुल ध्रुव की कोई उम्र थी लेकिन अनन्यता। देखो जरा, मैं कुछ झांकियां खींच रहा हूं, छोटा सा बच्चा लेकिन अनन्यता आ गई, खींच लिया भगवान को है, कोई उम्र, छोटी सी उम्र। अब जैसे भागवत पुराण बता रहा है, गज ये तो जानवर था लेकिन अनन्यता, प्रभु इससे मेरी सिवाय आपकी और कौन रक्षा करेगा, ये मगरमच्छ मुझे खींचे जा रहा है पानी के अंदर। अनन्यता, हिला दिया भगवान के तख्त को, और द्रौपदी हिला दिया भगवान को, प्रभु इस वक्त मेरी लाज रखनी होगी जो है सभा में। अच्छा, कह रही सभा में मेरी जरूर लाज रखनी होगी, बिल्कुल अनन्यता सही मन। जरा देखो झांकी लेना दे, हाँ, कैसी मन, वही का वही, और विदुर शूद्र जाति का, लेकिन अनन्यता के बस, और विद्रोणी भी उन्हीं के साथ, पत्नी हो तो ऐसी हो, साथी जीवन साथी हो तो ऐसा हो, बिल्कुल दोनों ही एक में जुटे हुए हैं, कहीं नहीं मन। वरना प्रधानमंत्री है बच्चे, भारत के प्रधानमंत्री विदुर जी, और जाति क्या शूद्र, लेकिन मन ये आज भी आपका भारत का धार्मिक बच्चा गा गा के थकता ही नहीं, क्या कोई हुए दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, सारे मेवे मुवे छोड़ के, वहां तो प्रेम था ही नहीं, वहां तो केवल शो था, और वो साग खा लिया, वो अच्छा जो प्रेम से दिया गया है। लेकिन अनन्यता, भगवान ने देखिए सब छोड़ छोड़ा करके उसका अनादर करके जा रहे हैं, नहीं प्रेम तेरे मन में नहीं, आदर तेरे मन में नहीं, इसलिए तेरे हमें नहीं कहूंगा, पर सभा में सबके सामने अनादर कर दिया भगवान जी ने, नहीं, और बिन बुलाए कोई उन्होंने नहीं, उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कभी हमारे घर में भी आएंगे। आहा आहा, अब तक भी मेरे बच्चे आपको पता है ना, उम्मीद हो अचानक कोई आ जाए 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, तो आप बड़ी खुशी के, आओ आओ मानो विदर के घर भगवान आ गए, क्या आप क्या आए, मानो हमारे घर में विदर के घर भगवान आ गए, किसी को पूरा आदर दे रहा हो, मुद्दत के बाद आया हो, तो हमारे अभी प्रचलित है ये फ्रेज, आप क्या आए मानो विदर के घर भगवान आ गए। तो उम्मीद भी नहीं थी उनको, लेकिन क्यों भगवान ने बिन बुलाए गए, क्यों, अनन्यता की कदर की, उनका मन दोनों का एक ही जगह लगा रहता है ना, अपने मालिक में लगा रहता है, हाय मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, एक एक में टिकाए बैठे, उन्होंने अपना मन कहीं भटकाया ही नहीं, एक में टिका दिया, लो हाय, बड़ी मुश्किल से अपने अंग ढांपे हुए चीथड़े पहन करके, हरपा हरपा काका, अपने जरूरी अंग भी के लिए भी कपड़े नहीं है, वो भी लीने हैं, बीच में कई रोशनदान बने हुए हैं, हाँ, और उसको गले लगा 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 के प्रेम के आंसू बहा बहा के थकते नहीं, और सारी रानियां गद गद हुए जा रही है, मुंह में उंगली डाल रही है, कौन आया है मेहमान, ये कौन मेहमान है, ये कौन, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। कृष्ण और सुदामा, भगवान ने किस नाम में कपड़े देख रही है, चीथड़े देख रही है, नहीं केवल अनन्यता देख रही है। परमात्मा इस जन्म में हम भी पूरा करेंगे, अर्जुन ऐसा रूप तो केवल अनन्य भक्त देख सकते हैं, जैसा तूने देखा है ये मुमकिन नहीं किसी और,
हर पाई ये शब्द रोमांचकारी है, हमारे जैसों के रोटे खड़े कर देती है। ये देखा है जिस तौर से ये मुमकिन नहीं किसी और से, ये लेकिन साथी का नहीं। जब अनन्यता आ जाती है तो मिलना मेरा उसको आसान है। क्या मैं हैरान होता हूँ, क्या बेचारा गरीब सुदामा था, क्या फटे प्राणी और कपड़े, तो वो भी मैले कुचैले, मिट्टी लगी पड़ी है नंगे पैर और घुटनों तक मिट्टी है, एक हाथ जोर एक हाथ इस अवस्था में हो गया। क्या हुआ सुदामा? फिर चुप। क्या कर रहे सुदामा? फिर चुप। किसी बार फिर प्रभु ने कहा, आपको क्या हो गया? बोलो ना। प्रभु ने कंधे पे हाथ रख के जोर दिया, बोलो ना। प्रभु सोच रहा हूं। क्या? सुनिए, अनन्या का किसे कहती है मेरी बेटी, ओ मेरी मैया, ओ मेरी बुजुर्ग, ओ मेरे कर जाने वाले भाइयों, अनन्या की झांकियां दे रहा हूं जिससे मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, आप उठाते रहना। फिर बुलाया, सुदामा क्या बन गया? प्रभु मुझे ना क्या हो गया आपको? प्रभु आपने कहा था ना, मुझे याद करती थी ना इतने वर्ष, प्रभु मैं उस क्षण को देख रहा हूं जिस क्षण में आपकी याद ना आई हो। हाय फिर फिर भगवान पर दिल जुट गए। क्या कहा? मैं उस क्षण को देख रहा हूं किस क्षण में आपको भूला था, अतः कभी नहीं भूला। ये तो नहीं कहा कि मैं सदा आपको याद करता रहा हूं, मैं तो उस क्षण को, उस काले क्षण को देखना चाहता हूं, मैं कभी भूला भी हूं आपको। सुदामा सुदामा देख लो मेरे बच्चे, ये है ऐसी अनन्य पुजारी, भगवान हमें भी शक्ति दे रहे गए, हम भी जरूर ऐसी अवस्था बनाएंगे, ऐसी सी जीव करते गए। ना भगवान ने जाति देखी, ना गुर्बत देखी, ना पढ़ाई देखी, ना लिखाई देखी। देखती जाओ प्रभात को देखा है कि ये राक्षस का है, अनन्यता देखी, ध्रुव ने अनन्यता देखी, द्रौपदी ने अनन्यता देखी, गजेंद्र ने अनन्यता देखी, उनमें कुर्बान है मीरा ने अनन्यता देखी, अरे महारानी थी। हाँ फिर आदमी को और औरत को तो एक दूसरे की शरीर अच्छी लगती है और सुंदर हो, हर अंग से अच्छी हो, आदमी भी जरा छह चुनीला हो, ये शब्द छह चुनीला ये हो, लेकिन भगवान तो ऐसा देखते नहीं, जो हमारे इष्टदेव जी होंगे वो तो नहीं देखा। हाँ उन्हें तो देख करके कुमरी ने कोई बात की, कुमरी ने जी कोई गुण था जो कि औरतों में चाहिए, हाँ जो किसी बिलवर में चाहिए, हाँ नहीं कोई भी गुण नहीं था। कुमरी पीछे से मुड़ा हुआ, हाथ उसके और प्रकार के, पैर उसके और प्रकार का, लेकिन भगवान ने अनन्यता देख ली और देख के क्या से क्या कर दिया। जरूर जरूर मुझे कहते कि जी शरीर में जी हो, धन हो, पढ़ाई हो, बिल्कुल भी नहीं। क्या जिसमें अनन्यता, यक दिन हो जीने न रखी दूनी, आहा जो करती है खालिसी इबादत मेरी। क्या हम अपने गोता बारे ऐसे कर रहे हैं ना, हमारी भक्ति भी इसी तरह हो रही है ना, नहीं तो शरीर के दिन थोड़े रह गए, जल्दी ठीक कर लो, हम भी इसी तरह कर रहे हैं मेरी दीदियों, ओ मेरी माताओं, खास कर जो बड़ी उम्र की है, आपको मैं ऐसे होता जा रहा है ना, रोज गीता सुनती हूँ, रोज आप कुर्बानी करने आती हूँ, ऐसी व्यवस्था बन रही है ना, मैं अपने अंदर गोता बांटते रहता हूँ, मेरे मन हमेशा भगवान में लगे रहते हैं ना। ध्यान दीजिए, भगवान ने बार बार कोई चीज नहीं देखना, सुनना, मैं आपको इतनी झांक के देख चुका हूं, ध्रुव देखिए, प्रहलाद देखिए, कोई बात मार की नहीं देखी, गजेंद्र देखिए, कोई बात मार की देखी है, जटायु देखिए, और मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान, बाप समान सने की छाती से लगा दिया मेरे प्रभु ने, बाप समान सने का जटायु को देखा कि ये जो है जीत है, जितायु जीत मेरी वल्चर, बोलते वल्चर, हाँ ये नहीं देखा है तो मेरी जात के अंदर ना, मन तो मेरी मेरे में लगा हुआ है ना। हाय सुदामा की गुर्बत नहीं देखी, सुदामा की अनन्यता
देख ली, मालोमाल कर दिया हर रूप में। हाय कुबड़ी मैं क्या करूं प्यारी, चंदन लगाने जाए सजाने जाए करती थी कंस को, लेकिन मन में श्याम जी का प्यार बसा हुआ था। याद होगी कभी वो आएंगे ना, ब्राह्मण ने बता दिया था कि एक दिन तेरा कुबड़ सीधा हो जाएगा, तू बड़ी सुंदर हो जाएगी। हाँ तू भगवान का भजन किया कर, ऐसी मन में बात बैठ गई, हमेशा ही अपने मन को ठहरा लिया। उसको तो एक बार ब्राह्मण मिला, आपको तो ये ब्राह्मण रोज मिलता है, हर सुबह शाम, हर सुबह हर शाम, हर सुबह हर शाम ये ब्राह्मण आपको मिल रहा है, और केवल भगवान की ही बात सुनाता है, किसी और शास्त्र की भी नहीं। क्यों नहीं आपका कल्याण होगा, जरूर आपका कल्याण होगा। लोग को एक एक बार मिले हैं और वो बीच में बिठा गए और अनन्यता आ गई, भगवान किसी दिन में अनन्यता होगी, वो अपने प्यार से मुझे देख ले, अनुभव कर ले, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले, मैं कौन हूँ क्या हूँ पहचान, जरूर इस जन्म में हम करके जाएंगे। ऐसी ऐसी भक्तियों को देख देख के हमारी श्रद्धा बढ़ती है, हमारा प्रेम बढ़ता है। कैसे एक ही शर्त पूरी की भगवान की, अनन्यता। ये कितनी झांकियां मैंने दी आपको, अनन्यता, एक ही शर्त पूरी कर देता हूं, अनन्यता। हमें ये आपका कौन, रावण का भाई, रावण का भाई, रावण राक्षस जाति का, और उसका भाई विभीषण राक्षस। हाँ, और हनुमान जी जा रही है पता करने, और कहां रुके इन्हीं के घर में, क्यों बार महाराज जी का नाम है ना, हाय, और अंदर से ध्वनि मां मंत्र की आ रही है ना, वाह वाह हाय, हा हा हा। और तब जब छाती से लगे, प्यार किया दोनों ने आपस में, हाँ, तो ध्वनि क्या निकली, हाय, अब मुझे यकीन आ गया, अब मुझे क्या कि प्रभु कृपा भी में मिले न संता, ऐ हनुमंता, अब मुझे यकीन आया कि भगवान चाहती है तो पहुंचा हुआ संत मिलता है, फिर मैं कहां मिला पड़ता है, तो अब तो मैं तर जाऊंगा, भीष्म कह रही है, और देख लो तर गए भगवान को अपना बनाकर, तर गए कहा राक्षस भगवान को जाती, देखी देखा क्या अनन्य था, किसका मन मेरी में लगा रहता है। अब भी आप भी कर लो बच्चे, इतने मैं आपको झांकियां दे रहा हूं, ये कैसे कर जाए, भगवान को नहीं देखना, जाति ना पाती ना धन ना पदार्थ ना सुंदरता ना शरीर ना अंग, कुछ नहीं देखा, केवल मन के टिका हुआ देखा एक तरफ। उनके मन क्या थी, जैसे हवाई जहाज में कंपास पड़ा होता है, एक 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 घड़ी होती है जिसे कंपास कहती है, कंपास, हाँ, उसकी सुई हमेशा ही नॉर्थ या उत्तर की ओर रहती है, और ये बैठा है संचालक जिसे हम कहते हैं पायलट, उसकी सामने ये पड़ी है ये कंपास, और एक ही सुई वो नॉर्थ लिखा हुआ है उसी में रहती है। अब क्या होगा, वो दिशा भ्रम नहीं होगा बेटे, वो दिशा भ्रम रॉन्ग डायरेक्टिव नहीं होगा, उसे पता है, जिसे नॉर्थ का पता है कि इधर उत्तर है ये पता है, तो उसे ये जरूर पता लग जाता, साथ ही एरो मार्क किया होता है क्या कि इसके राइट साइड पर पूरब होता है, और इसके दूसरी तरफ जो है क्या होता है बेटे, पश्चिम, इसके बिल्कुल उलट होता है साउथ, वो कभी दिशा भ्रमी से चार दिशा पे लगे जाए, एक दिशा पता लगे नॉर्थ का, और नॉर्थ हमेशा होती है जब हिंदुस्तान में अपने आपके पहाड़ है, ये हमेशा नॉर्थ ये रहेगा। अब ये मुझे पता लग गया कि ये पहाड़ की तरफ नॉर्थ है, स्वर बताऊंगा ये साउथ और ये ईस्ट और वेस्ट, ये उत्तर ये पूर्व, ये उत्तर ये दक्षिण, ये पूर्व ये पश्चिम, फौरन अगर एक पता गया कंपास, उसकी सुई हमेशा नहीं रहती है, मेरे भगवान के भक्त का मन भी कंपास की सुई है जो हमेशा भगवान का चिंतन करता रहता है, बिल्कुल भगवान की तरफ उसका मन इधर उधर नहीं होता। हम कर लेंगे तो ऐसा जरूर कर लेंगे, वरना भगवान हमें ये कभी ना लाता, ऐसा सुंदर सराहनीय अवसर प्रभु कभी ना देते, इस अवसर की ये इंडिकेशन है कि हम तर जाएंगे। आहा, सिग्नल का गिरना ये बता रहा है कि गाड़ी आने वाली है, सिग्नल का गिरा सिग्नल और सिग्नल बता रहा कि गाड़ी आने वाली है, आए हाय, ये सारा वातावरण बता रहा है, होनहार विमान के हो चीख नहीं,
भी भीष्म होनहार बलवान के हो चीखने पान कमन इवेंट्स जो आने वाले हालात है कॉफ भी शुरू बिफोर अपना शुरू पहले ही डाल देते हैं कि कैसे हालात बनने वाले हैं। हाँ ठंडी हवाएं बता देती है आप लोग कमरी लमड़ी माताएं भी कहती है हाँ बारिश होगी बारिश होनी है नहीं ड्रामा नहीं ड्रामा कपड़े कपड़े उतार ले कोठे को उतार ले उतार ले है हाँ थोड़ी देर बाद बादल भी आ जाती है सब कुछ वर्ष जाती है तो हम दादी को पकड़ ली दादी तुम लाल मुझक्कर है नहीं पुत्र मैं क्या लाल मुझक्कर जब ऐसी ठंडी हवाएं चलेगी बादल आती है जब ऐसा ठंडा वातावरण मिले कोई बताने वाला मिले और आपको भगवान चुन चुन के लाए और गीता लगातार सुनाई जा रही हो तो समझिए आप भगवान मेरे पर पूरी कृपा करने ही वाले क्योंकि वातावरण में ऐसा बन गया। दादी हमारी बता दी थी ठंडी हवाएं आ रही है तो बादल आने वाले कपड़े उतारो खत मचा दी थी उठना उठना कपड़े उतार तंग कर दी थी कपड़े उतार भाग जा और वो ठीक कर ले मैं गई गई ना करो ये सारा महान हमारे तर्जानी का रब ने बनाया है ये सारा वातावरण ही ऐसे मेरे मालिक में जरूर कर जाएंगे थोड़ा सा आप प्रसाद कीजिए कि मेरा मन कुछ और न सोचे और अगर आपका वस्त्र नहीं भगवान से शक्ति मांगो ऐसी गाली कृपाली प्रभु मुझे भी शक्ति दो ना कभी कभी मेरे मन भी चले जाते हैं ताकत जरूर देंगे वो आपको क्योंकि आप दिल के सच्चे देखो आपने दो गुण है जिससे भगवान जीतते जा रहे हैं आप दिल के सच्चे इरादे के पक्के बाबा बाबा मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं मैं सत्य शब्द कह रहा हूं जो भी हो दिल की सच्ची इरादा के पक्के तुम्हारा जी ने क्या कहा नामे भाई में उसे भी समझ ले कि साधु हो कौ इरादा में नेकी के वो धर्मा तुम्हा जल्दी तुम्हारा क्यों नामे भाई के अखीर में कहा वो जल्दी धर्मात्मा बनने वाला है कौ जिसमें ये दो गुण ध्रुव तारे की तरह चमक रही है इरादे की सच्ची इरादे के सच्चे और मन के पक्के आह विचारों के सच्चे इरादे के पक्के ये हर एक ये गुण आ चुके हैं कभी ना आपका दिल करता इधर आने का मेरे सदियों धार्मिक भाइयों मेरी माताओं मेरी कल्याणकामी देवी हो यही सच्चाई जो आपकी रंग ला रही है पर थोड़ा सा प्रसाद थोड़ा सा और बस थोड़ा सा और आह कई बार यहां रहता हूं तो कई बार खप मच जाती है कोई लाइन बैठ जाती है कि कई कानों से लाइन बैठ जाती है हाँ तो 12 मासी होते जो 12 महीने इनके लगे रहती है कभी कहीं कभी कहीं बैठ गई कभी कहीं बैठ गई तो इनके 12 मासी आ जाते तो उनके एक मेट होता है बेटी 10-12 व्यक्ति होती है तो उनके एक मेट उनको उनसे काम लेने वाला हाँ तो वो कराता है तो जब वो सारे लगते हैं तो एक विशेष प्रकार की चीज होती है उनके हाथ में होती है तो अब वो जो है एक जो नौकर आगे बड़ा बनाता है लगा दिया अच्छा उस लोग उठती नहीं हाँ अब वो जीतते तो हाइशा भी खाते जोर लगा दिया अच्छा सब बहादुर शाह मुंह की लाई फिर मेट आता गिरा हिजड़ो तुम सारे गिजड़े हो अब मेट साहब देख लो हमने तो अपनी चीजें पूरी कोशिश की लाइन फ्री दबी पड़ी नहीं उठी अब वो आगे आएगा आगे आके का मैं बोलता हूं और मैं देखता हूं कैसे नहीं होते और उस शीर की तरह गरजता है पता नहीं उसने क्या खाया हुआ था रब जाने और वो जोर कहते थे जब मैं जा खी में कहूं तो मैं सारा उठता हूं वो बच्ची मैंने आंखों से देखा उन्हें एक बार ही जोर का करके लाइन पर रख गई जोर लगा दो अच्छा अब तू भगवान इतनी शक्ति दूर में भाई एक बार थोड़ा सा आप भी जोर लगा दो उधर भगवान भी कहेंगे तथास्तु ऐसा ही हो परमात्मा तुम की सहायता करते कभी ना भूलना परमात्मा तुम की सहायता करते बाबा तू बता दे परमात्मा तुमका पक्ष लेती है बाबा तू बता दे पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेते हैं नेक जीवो सुन लो नेक जज्ञासुओ पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है पुरुषार्थी का पक्ष भगवान लेती है चाहे वो पूरा चारी भी क्यों ना हो सदाचारी भी क्यों ना हो चाहे दुर्योधन हो चाहे आपका 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 मिस्टर हो है भगवान पक्ष किसका लेते हैं जो पुरुषार्थी है अगर वो बुरे काम में पुरुषार्थ दिखाया तो फल पूरा पाएगा जलील होगा अगर भले काम में पुरुषार्थ दिखा रहा है तो तर जाएगा और कहीं को तर जाएगा पर भगवान ने पक्ष उसी का लेना है जो पुरुषार्थी है
याद रखना बेटी, धर्मार्थ की पुरुषार्थ की का पक्ष भगवान लेते हैं। प्रभु तो गीता जोरदार शब्दों में कह रही है, क्या 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 बचेगा मुना ओर से, बचेगा मुना ओर से, कैसी दो हाथ बचेगा मुना ओर से, दो हाथ मार लग जाए चुपचा, इससे तू बच जाएगा। और बेरा पार जब देखा कि मेरे से पूरा नहीं हो रहा, और पुरुषार्थ करो, भगवान से प्रार्थना करो, तरीका मैं बताता हूँ। प्रभु आप तो जानी जाना, आप तो देख ही नहीं है, जितनी बौद्धिक मानसिक शक्ति आपने मुझे प्रदान की है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ा, फिर भी मैं देखता हूं कि मैं अनन्य नहीं बन रहा, फिर भी मैं देखता हूं कि मेरे मन की वृत्ति एक में नहीं लगी हूं। आप कृपा करो ना, आप समझा दो ना, जो मैं बोलते जा रहा हूं, मुझे वृंदावन की घटना याद आ रही है। क्या वही कोमल जी महात्मा हुए हैं और एक सत्यानंद जी थे, परमानंद जी को बहुत चाहते थे वो। वो भगवान जी का कीर्तन करते हुए मेरी दीदी आगे आ रहे थे, ये शायद मेरे ख्याल में 17वीं शताब्दी की बात है या 18वीं शताब्दी की लगभग है। तो कीर्तन करते हुए भगवान जी का पावन नाम लेते हुए आ रहे थे, उधर की बात जब भगवान जी को मक्खन खाया वो हजम नहीं होता, उधर से वो भी आ रहे हैं, सत्यानंद जी भी आ रहे हो। अच्छा, उनकी भी कुछ मंडी थी, अब उनका टकराव बीच में जंक्शन बन गया, शिष्य आदि पीछे खड़े हो गए, हाँ, और वो भी पीछे खड़े हो गए, और मुखिया वो प्रेमानंद और सत्यानंद जी, प्रेमानंद जरा आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, कौन है आप ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, देखिए 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 देखिए, सत्यानंद से पूछे, प्रेमानंद जी पूछते सत्यानंद से, ए कौन है आप, तो आप ही क्यों नहीं बता दी कि आप कौन है, मैं अनन्य अनन्य भगत भगवान का, सुनिए मैं भगवान का अनन्य भगत हूं, मैं अनन्य भगत हूं, सत्य मंदिर मैं अनन्य हूं, अनन्य तो कोई शब्द ही नहीं है, ध्यान देना, बनने में भी शब्द तो अनन्य होता है, और शब्द कोष्ठ शब्द में अन्य अनन्य नहीं मिलेगा, तो उन्होंने टोका अपने प्रेमानंद जी के फरने को, समय नहीं होता, तो कहा अरे भगवान के प्यारे अनन्य किसे कहते हैं, अनन्य जो भगवान के सिवा न इंद्र को जाने, न ब्रह्मा को जाने, न महेश को जाने, न देवियों को जाने, न देवता को जाने, न किसी पीर को जाने, पैगंबर को जाने, गुरुओं को जाने, केवल एक भगवान में जिंदास भगर उसे अनन्य कहती है। हाँ तब कहती है, अरे अरे तुम्हें अंतरे सालों के नाम ले रही है, जो किसी सालों को नहीं जानता ना देवी देवता, उसको अनन्य कहते हैं, मैं किसी सालों को नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है, तू तो बस इतने गिरा दी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इनको भी नहीं जानता, धड़ाम से प्रेमानंद जी उनके चरणों में गिर गए कि महाराज ये अवस्था तुम्हारा शरीर छोड़ने वाला हो, वाह पर गए मेरे बच्चों, मेरी देवियों जिन्होंने अपनी वृत्ति मालिक में जमा दी, अनन्य हो या फनन्य हो, आहा जिनका मन एक में लग गया, इसी को साधारण शब्द में मीरा कहके शरीर समेत अपने इष्ट देव में समा गई, मीर तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरा, ये है अनन्यता, कितने थोड़े शब्दों में सब कुछ रख दिया बेटी, थोड़े शब्दों में सब कुछ, मीर तो प्रभु गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इससे बढ़ के अनन्यता क्या हो सकती है, इससे बढ़ के दिव्य प्रेम भी क्या होगा, इससे बढ़ के प्रेम की चरम सीमा भी क्या होगी, प्रेम प्रेमी और भगत को भगवान ने मिला देता, भक्त और भक्ति दोनों ही भगवान को मिल जाते हैं, परमात्मा करे इस जन्म में बार बार मैं कह रहा हूं हम भी अपनी व्यवस्था बना ले, अर्जुन ये तो जो देखा है तूने ये मुमकिन नहीं किसी और से, पर अनन्य भक्त जो है वो मुझे अनुभव कर लेंगे, हम भी अपने अंदर गोता मारे, भले कि मेरे भगवान ने आपको किसी भी अवस्था में रखा है, किसी भी दशा में है, दिशा में है, कोई परवाह नहीं, वो तो मन का विषय है, तो मन को मैं अपने कंपास की सुई बना लू हमेशा भगवान की ओर, मैं कोई भी काम करूं अपने मन मेरा प्रभु की ओर होगा, ये गीता में बार बार जोर दिया गया, बार बार जोर दी गया,
पुरुषोत्तम इस तरह जाने मुझे बुरी हक नजर से जो माने मुझे तो बार समझ बाखबर है वो जी। और जब वो बाखबर है मैंने कई बार जोर देकर कुछ समझाया है। हाँ वो तन मन से करता है, तन मन का मतलब अनन्य पुजारी बनकर मालिक की तरफ लग जाते हैं। जो भी अपना कल्याण कर गए वो अनन्य थे, कल्याण कर रही है तो अनन्य होंगे, कल्याण आगे करेंगे तो अनन्य अवश्य में होंगे। अनन्य थे, अनन्य है, आगे भी अनन्य पुजारी बनते रहेंगे, तर जाएंगी तर जाएंगे, अपना जन्म सफल कर जाएंगे। समझा लो अपने मन को, केवल भगवान का चिंतन, बाकी जिस समय का जो कार्य है वो हम कर गुजरेंगे। जिस समय का जो कार्य हमें फर्ज रूप में नजर आएगा हम छलांग मार के कर देंगे। मेरे इष्ट देव आपको शक्ति दे, सबको शक्ति मिले, हम सब रंग मिल करके भगवान के अनन्य पुजारी बने। भगवान को अनन्य भगत बड़ा प्यारा लगता है, उसी को भगवान अपना सच्चा और पक्का भगत मानते हैं, जिसके मन का और कोई चिंतन नहीं, कोई सफलता नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल एक भगवान जी, केवल एक भगवान जी, ओ नहीं भगवती, केवल एक भगवान जी, केवल एक भगवान जी। अखिल में कहना चाहता हूं, हनुमान राम ने पूछा तुम सिया की सुधी ले आए, ले आए प्रभु, कहां रहती है वो बसी जो है रावण की छाई, वो तो अशोक वाटिका में रहती है, क्यों ना मरी, जिंदा फूल के मरी हुई थी प्रभु, क्या पूछा आपने, ये प्रश्न क्यों ना मारी, हम देवी छुड़ाई मुझे बिछर के मर क्यों नहीं गए, लाश क्यों देखी थी, क्या तुम्हें जिंदा नजर आई। अखिल में कह रहा हूं देवियों भगवान हमारी श्रद्धा बढ़ाए, वो क्यों ना मारी, हम देवी छुड़ाई बिछर के मर क्यों नहीं गई, प्रभु आप ठीक कहते हैं, जो कुछ भी आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, मैं स्वीकार करता हूं, प्राण बसे तव पंकज में, उसके प्राण तो आपके चरणों में रहती है, यम आवत है पर पावत नहीं, प्राण तो आपके चरणों में है, यम तो आता है लेने के लिए, लेकिन आप तक तो यम की पहुंच नहीं सकती, आपको ज्ञान है, काल तो आपको स्पर्श नहीं करता, वो क्यों ना मरी हम ते पूछना ही प्रभु, क्या क्या कर, प्राण बसे तब पंकज में, यम आवत है पर पावत नहीं। हमारे पर भी ऐसी उच्च कोटि के योगी, उच्च कोटि के महात्मा, उच्च कोटि की योगन हमारी भी सच्चाई को देखकर, भावना को देखकर हमें शक्ति प्रदान करेंगे कि हम भी अन्य पुजारी इस समय के बन जाए और अपना कल्याण कर जाए। पर वही भगवान कह रहे शरीर छोड़ने से पहले जिसका मन केवल मेरे में लग गया है और इसी को घर के नहीं खाता, हाँ भक्ति से मेरी मुझे जान ले, भक्ति से मेरी मुझे जान, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन सर्वे संतो निराया सर्वे भद्रान पश्यंतु माता ची दुर्भाग बने हरिओम शांति 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 ओम प्रभु स्त्रे भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।